हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नीट में आता है कि नेट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करें। कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मेंशन हैं। इस टाइप का मेंशन है और आपसे पूछता है नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच का। आपको क्या फाइंड आउट करना है? नेट कैपेसिटेंस, ठीक है। इस टाइप का आपका क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है। तो इसे करेंगे कैसे सॉल्व? इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक है जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो देखते रहिए मेरे साथ इस वीडियो को और आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको? सिंपली जितने प्लेट्स हैं उसको आप नंबरिंग कर दोगे ऊपर से। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 प्लेट है, इसको हमने 4 ऐसे मार्क कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जिन पॉइंट्स के बीच में हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है उन पॉइंट्स को सेपरेटली मेंशन कर लेंगे। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमें नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो इसको हमने सेपरेटली ऐसे मेंशन कर लिया। अब क्या करेंगे, जो जो जिस प्लेट से जो नंबर मार्क है उस प्लेट का नंबर हम लिख देंगे वहाँ पर। तो प्लस से 2 मार्क है तो हम यहाँ पर 2 ऐसे मार्क कर दिया हमने। उसके बाद माइनस से 3 मार्क है ये, तो हमने यहाँ पे ये 3 मेंशन कर दिया। और कहीं हमने कोई पॉइंट दूसरा मार लिया, ठीक है, उसको हमने मान लिया 1। ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये वाला फर्स्ट एंड 4 आपस में ये कनेक्टेड है एक कनेक्शन से। तो इसको क्या करेंगे, जो आपस में कनेक्टेड है उसको कॉमन पॉइंट को से साथ साथ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे नंबर से, जैसे 1 से 2। जब हम 1 से 2 जाएंगे तो एक कैपेसिटर यहाँ लगाएंगे, उसको इसे 2 से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मूव कर कहाँ करेंगे, 2 से 3 की तरफ। तो 2 से 3 की तरफ मूव किया हमने और उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया। अब क्या करेंगे, 3 से 4 की तरफ मूव कर रहे हैं तो एक कैपेसिटर हम यहाँ से लगा देंगे, ठीक है। तो इस इतना कॉम्प्लिकेट डायग्राम, इस क्वेश्चन का एक सिंप्लीफाइड हमने डायग्राम बना लिया है। अगर मानते हैं सबका कैपेसिटेंस सिंपल है, CC हमें मेंशन है, तो इसको आप क्या सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें इन दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ कनेक्शन में है, ठीक है। तो जब ये सीरीज़ कनेक्शन में है तो इसका नेट क्या होगा, सीरीज़ कनेक्शन के लिए नेट हम निकालते हैं 1/CNet = 1/C1 + 1/C2। तो यहाँ पे क्या है, 1/C + 1/C। तो इसे सॉल्व करेंगे तो CNet आता है आपका C/2, ठीक है। तो इस ओवरऑल डायग्राम को अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड करूं तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ ये नेगेटिव, इसके बीच में एक ये कैपेसिटर, इसके कैपेसिटेंस सी है, ऊपर वाले को हमने सॉल्व कर दिया तो इसकी जो कैपेसिटेंस हमने अभी निकाली है आई C/2। अब ये वाला जो दोनों हैं ये कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल का जो नेट आता है वो कैसे आता है, C1 + C2। इसको सिंपली कर दोगे तो C/2 + C, ये कितना आ गया आपका, 3C/2। ये नेट कैपेसिटेंस है इस ओवरऑल क्वेश्चन का। तो कितना सिंपली तरीके से आप इसे कर सकते हो, सिंपली कैसे करना है, सबसे पहले आपको नंबर मार्क करने हैं, उसके बाद जिन टर्मिनल्स के बीच में आपको फाइंड आउट करना है उसको मार्क करोगे और उसके जो नंबर मार्किंग है उसको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद एक कोई दूसरा पॉइंट आउट मान लोगे और जो पॉइंट कनेक्टेड है उसको साथ साथ लिख दोगे। उसके बाद नंबर से आपको मूव करना है, 1 से 2 मूव किया हमने तो बीच में एक कैपेसिटर जोड़ दिया, उसके बाद 2 से 3 किया तो एक कैपेसिटर जोड़ दिया, फिर 3 से 4 गए मूव कर दिया। उसके बाद ये डायग्राम सिंप्लीफाइड हो गया, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आप बड़े कॉम्प्लिकेट टाइप के कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हो।